तो भाई लोग आप सब वेट कर रहे थे कि भाई इरांगल का अपडेट कब आएगा, इरांगल में जो मोड आने वाला भाई साहब कब आएगा और कब देखने को मिलेगा। तो फाइनली आ चुके बीटा वर्जन के अंदर 2.0 का इरांगल अपडेट। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो भाई लॉबी में कुछ इस टाइप का क्यूब देखने को मिलेगा जिसपे हमला होता है फुल बारूद वगैरह का या क्या सको फुल रॉकेट वगैरह इस पे मारा जाता है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना बड़ा AWM दिखाने वाला हूँ जिसे देखने के बाद आप यही बोलोगे कि भाई साहब ये क्या है। और मैं सच बता रहा हूँ आज तक आपने किसी भी गेम के अंदर इतना बड़ा AWM नहीं देखा होगा, 100% मैं गारंटी दे सकता हूं। अब सिंपल यदि देखोगे तो कुछ इस टाइप का मोड आपको देखने को मिल जाएगा। ये रोबोटिक मोड है या कह सकते हो इस मोड का नाम यहां पे कोर सर्कल है। और इस मोड के अंदर आप जैसे आओगे तो यहां पे तीन बिल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा रास्ते में ही या कह सकते हो प्लेन पाथ में ही जहां पे जाना है। और ध्यान से देखोगे तो एक क्यूब उस पर फायर करता रहता है या क्यूब पे फायर होते रहता है मिसाइल लॉन्चर या कह सकते हो मिसाइल लॉन्च होते रहता है और वो क्यूब बच के आपके तरफ आएगा और ये जो बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल रहा है इस पे हमला करेगा और इस बिल्डिंग्स पे आपको बहुत सारे रॉकेट्स देखने को मिल जाएगा। और देख सकते हो यहाँ पे एक्टिवेट करने का बटन दिया गया है लेकिन यहाँ पे ये कुछ हो नहीं रहा। मैंने ओपन करके देख लिया, 3-4 गेम मैंने खेल के देख लिया लेकिन ओपन करने के बाद भी यहाँ से नहीं तो कोई मिसाइल शूट हुआ नहीं तो कुछ हुआ जो कि अभी आपको देखने को मिल जाएगा। और जो इस पे क्यों फाइटिंग करता है और इस बिल्डिंग को जब तोड़ता है तो भाई ये देख के आपको एक ही चीज का ख्याल आएगा जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और आपको कमेंट में बताना है कि भाई ये बिल्डिंग देखने के बाद आपको किस चीज का फील आ रहा है, फटाफट से कमेंट में बताओ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो यार, और चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर भी कर दो क्योंकि सबसे पहले वीडियो डालता हूं अपडेट का, फिर भी आप लोग कोई सपोर्ट नहीं दिखाते हो। और यहां पे देख सकते हो मिसाइल ऐसे करके आप ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद यदि आप बिल्डिंग्स के अंदर में घुसोगे तो वो भी मैं आपको घुस के दिखा देता हूं कि बिल्डिंग के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, साइड में एक और मिसाइल लॉन्चर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि अभी डीएक्टिवेट है और ये एक्टिव नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया इसे एक्टिवेट करने का। उसके बाद इसके कोर के अंदर यदि आप जाओगे या क्या सकते हो मेन बिल्डिंग के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे ढेर सारा आपको लूट देखने को मिल जाएगा, कई बार लेवल 3 का भी लूट देखने को मिल जाएगा। और यदि आप ऊपर जाते हो तो ऊपर आपको लूट तो देखने को मिलेगा लेकिन आपको एंट्रेंस नहीं मिलेगा, आप एंटर नहीं कर पाओगे यदि यहाँ पे डोर को तोड़ने का भी कोशिश करोगे तो भाई डोर नहीं टूटेगा और आप अंदर नहीं घुस पाओगे। तो यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पे हम कैसे घुस सकते हैं, तो बंदूक घुसने का एक ही तरीका है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, उससे देखने का बात तो आप बिल्कुल शौक ही होने वाले हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बिल्डिंग का, देख सकते हो एक और रास्ता आपको देखने को मिल जाएगा और उस पर यदि आप चढ़ते हो तो फिर भी यहाँ देख सकते हो रास्ता यहाँ पे भी बंद है और आप नहीं चढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बात आता है कि हम कैसे चढ़ सकते हो ऊपर और कैसे यहाँ पे लेवल 3 का लूट वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे इस बिल्डिंग के पास आओगे तो आपको थोड़ा सा बिल्डिंग के साइड में चले जाना है और ये जो क्यूब आ रहा है इसका आपको वेट करना है और थोड़ी देर जैसे आप वेट करोगे तो ये क्यूब आ जाएगा इस बिल्डिंग के पास और बिल्डिंग का लुक आप देख ही सकते हो। और इस बिल्डिंग के पास ये जैसे ही आएगा तो इस बिल्डिंग पे एक बहुत ही तगड़ा पिंक कलर का कह सकते हो बीम शूट करेगा और जैसे शूट करेगा तो ये बिल्डिंग टूट जाएगा और टूटने के बाद देख सकते हो आधा काट देता है इस बिल्डिंग को। और जैसे आधा काटते हैं तो भाई उसके बाद यदि आप लूटने जाओगे तो भाई ढेर सारा आपको लूट देखने को मिल जाएगा। और जैसे ये बिल्डिंग को तोड़े उसके तुरंत ही मत जाना क्योंकि एक बार और ये शूट करेगा या दो बार और शूट करता है। और सामने की तरफ देखोगे तो सामने एक बंदा है तो मेरे को जाने का हिम्मत भी नहीं हो रहा है लेकिन हाँ एक बार और ये बीम शूट करेगा तो उसका वेट कर लेना है। यदि आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे गॉडजिला वर्सेस कॉग मोड में ऐसा ही बीम शूट करता था जिससे बहुत ज्यादा डैमेज होता था लेकिन भाई यहाँ पे देखोगे इतना तगड़ा बीम शूट होता है फिर भी यहाँ पे नहीं तो कोई मर रहा है ना ही डैमेज हो रहा है। हो सकता है कि जैसे जैसे अपडेट होते जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे ठीक किया जाएगा या कह सकते हो और भी ज्यादा पावरफुल इस बीम को बनाया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो कितना ज्यादा तगड़ा ये क्यूब है, बिल्कुल यहाँ पे फाड़ चिड़ देता है और जो भी बिल्डिंग है उसे तो तोड़ ही देता है। अब सिंपली यहाँ पे देख सकते हो बिल्डिंग टूट चुका है तो चलो फटाफट से बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि ऊपर कितने सारे लूट है। वैसे तो एक बंदा यहाँ पे ऑलरेडी लूट रहा है लेकिन फटाफट से उसे मारते हैं और मारने के बाद बिल्डिंग में घुसते हैं। अब देखो यहाँ पे बिल्डिंग का बात करूँ तो बिल्डिंग में सेम ही लूट देखने को मिल जाएगा जैसे कि आपको नॉर्मली देखने को मिलता है लेकिन उससे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लूट होता है, मतलब नॉर्मल लूट से बहुत ज्यादा होता है। और यदि इस स्टेज से आप ऊपर चढ़ोगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक बंदा है, इसे मैं फिनिश करता हूँ। और फिनिश करने के बाद यदि मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ देख सकते हो ढेर सारा आपको लूट देखने को मिल जाएगा, एक क्रेट देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर आपको फ्लेयर गन भी यहाँ पे कई बार मिल जाता है, मुझे तो 2 बार नहीं मिला लेकिन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है फ्लेयर गन। फ्लेयर गन के बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे लेवल 3 का भी लूट आपको कई बार देखने को मिल जाएगा और ये बिल्डिंग बहुत ही तगड़ा हॉट ड्रॉप होने वाला है। और मैं बता देता हूँ ये बिल्डिंग देखने के बाद आपको एक ही चीज का याद आएगा जो कि है
गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मोड और हमारा ओल्ड इरांगल का भी थोड़ा सा यहाँ पे वाइब आएगा। लेकिन हाँ, ये गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मोड का जो यहाँ पे कह सकते हो बिल्डिंग था, वैसा ही बिल्डिंग देखने को मिल जाएगा। और इस मोड के अंदर रोबोट वगैरह भी ऐड करना बाकी है, जैसे गॉडजिला आता था, कॉन्ग आता था, वैसे ऐड करना बाकी है। वो ऐड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे फोटो में देख सकते हो यहाँ पे एक मॉन्स्टर या कह सकते हो एक रोबोट भी है, जो कि अभी तक आपको देखने को नहीं मिला। तो हो सकता है जैसे जैसे बीटा वर्जन के अंदर अपडेट आएगा तो ये भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये इरांगल अपडेट बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है। और ये बिल्डिंग तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ऊपर से यहाँ पे गॉडजिला कॉन्ग के तरह सूट भी करता है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैं सबसे बड़ा AWM आपको दिखाने वाला हूँ आज तक का गेमिंग यहाँ पे कह सकते हो यूनिवर्स का। तो यहाँ पे सिंपली मैं बताऊँ तो यहाँ पे यदि आप रोजक वाले कह सकते हो ब्रिज के पास आओगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक बहुत ही बड़ा AWM जो कि मिसाइल लॉन्च करता है और सीधा मारता है उस क्यूब को। और यहाँ पे देख सकते हो इस AWM का साइज देखो बंधु, इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मुझे सच में बताना कि आज से पहले इतना बड़ा AWM आपने कहीं पे भी देखा था? देखो यार ये कितना बड़ा AWM है। मैंने यहाँ पे जब इसको पहली बार देखा तो मैं सोच रहा था कि भाई ये क्या चीज है, इतना बड़ा AWM देने का क्या ही जरूरत है। तो ये जो AWM है इसे आप नहीं चला सकते हो, इसे पबजी खुद चलाएगा। और पबजी चलाने के बाद यहाँ पे कह सकते हो जो भी वो रोबोट टाइप का होता है या जो भी वो क्यूब टाइप का होता है उस पर शूट करेगा, उसको मार के गिराएगा। लेकिन आप इसे नहीं चला सकते। मैंने ट्राई किया कि ऊपर चढ़ के इसे चलाने का कोशिश करूं, लेकिन यहाँ पे मैं नहीं चला पाया। लेकिन आप एक बार बताओ कि मतलब ये AWM यदि हम चला पाते तो इसका रिकॉइल कितना ज़्यादा होता। बट नॉर्मल AWM इतना उछलता है तो ये तो पूरा मतलब मार ही देता बंदे को। तो यहाँ पे देख ही लो AWM का लुक कितना बड़ा है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ मुझे देखने को मिला, ये देख सकते हो कुछ आपको सर्कल टाइप का देखने को मिल रहा है या टैंक टाइप का देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है इसके अंदर से रोबोट निकलेगा और वो रोबोट निकल के शायद से ये AWM उठा के मारेगा विलन को। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। और भाई अभी के लिए बीटा वर्जन के अंदर तो इतना ही ऐड हुआ है, लेकिन जो भी ऐड हुआ है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और मुझे ये AWM चलाना है। तो किसी के पास भी टिप्स एंड ट्रिक है कि इस AWM को कैसे चला सकते हैं तो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। और हाँ, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक पबजी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। मैं वेट कर रहा हूँ, शायद से हो सकता है 11-12 बजे तक यहाँ पे ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाए, जिसके बारे में कल उन्होंने बताया था कि बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है। तो जो भी न्यू मैप का अनाउंसमेंट आने वाला है या ओल्ड इरांगल का अनाउंसमेंट आने वाला है उसके बारे में हम बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन ये वीडियो आपको दिखाना था क्योंकि मैं बाथरूम गया था, वहीं पर मुझे पता चला कि भाई अपडेट आया, तो मैं फटाफट से बाथरूम करके आया और रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई सबसे पहले वीडियो बनाया हूँ तो एक ही चीज मैं आपसे मांग रहा हूँ कि भाई लाइक करो, जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि भाई ये जरूरी है ना। आप लोग यदि मोटिवेट नहीं करोगे तो कौन करेगा और भाई मैं किसके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो भाई इतना कर दो, लाइक सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और मैं मिलता हूँ आप सबको फिर से एक ऐसे इंटरेस्टिंग कमाल के वीडियो के साथ। साथ ही साथ ये भी मैं लेके जरूर आऊंगा वीडियो के अंदर कि इस AWM को आप कैसे चला सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड हाँ कीप वॉचिंग जैकल एंड द हैप ट्यूब। बाय।